हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। बीटीसी और ईटीएच अपने टू ईयर के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर बीटीसी 52,000 डॉलर के ऊपर और साथ ही ईटीएच ने भी यहां पर ऑलमोस्ट 2,800 डॉलर को क्रॉस कर दिया है। जो ईटीएफ आए थे उनका अब इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिल रहा है। हॉल्विंग इवेंट आने वाला है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और बुल रन का जो इंडिकेशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या इसे यहाँ पर शिबा इनू कॉइन और मीम कॉइन्स भी फॉलो कर सकते हैं? अगर हम बात करें अभी के समय में बीटीसी में अच्छा खासा इम्पैक्ट लास्ट कुछ दिनों में देखने को मिला, जिसका अब थोड़ा इंपैक्ट यहां पर ऑल्ट और मीम कॉइन्स में भी देखने को मिल रहा है, जो लगभग यहां पर 4-8 और 10% के आसपास यहां पर बढ़े हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की, जो बर्निंग मैकेनिज्म यहां पर शुरू होने वाला है और बुल रन आने से पहले या बुल रन में हमें क्या शिबा इनू कॉइन का प्राइस फिर से जो ऑल टाइम हाई इसने क्रिएट किया था वहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है, कितना प्रॉफिट ये कॉइन आपको निकाल कर दे सकता है और इनकी टीम अभी क्या कर रही है, क्या कुछ यहां पर डिमांड जो है कम्युनिटी की है टीम को लेकर कि क्या आने वाले टाइम में इनके द्वारा किया जाना चाहिए। सबसे पहले अगर हम प्राइस की बात करें लास्ट 24 आवर्स में ऑलमोस्ट यहां पर शिबा का प्राइस 5% बढ़ा हुआ, 98 के लेवल पर अभी ये ट्रेड कर रहा है डॉलर में, जहां पर अभी भी 10 को ये किल नहीं कर पाया हुआ है, 9915 के लेवल पर गया लेकिन यहां से फिर से प्राइस डाउन में आया। मतलब अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस की बात करें, जो यहां पर एक समय काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अभी यहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ है 1 का लेवल, 10 को ये किल करेगा, 1 के लेवल पर पहुंचेगा और यहां पर अगर स्टेबल रहेगा तो ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, जो 4-0 के साथ 1 के लेवल पर होगा। क्योंकि अगर हम लास्ट 1 मंथ की बात करें, 1 मंथ का अगर आप प्राइस देखें तो प्राइस यहां पर इसी लेवल में एक्युमुलेट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम 85 की बात करें, 85 से लगाकर 99 का जो लेवल है इसी के अराउंड यहां पर शिबा इनू कॉइन ट्रेड कर रहा है। मतलब 1 यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिससे अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पाया हुआ। और अगर हम 1 ईयर के हाईएस्ट लेवल की बात भी करें, कोशिश जरूर करी थी यहां पर 1 ईयर के हाईएस्ट लेवल को ब्रेक करने की, जो 1314 का था, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया, 101112 के लेवल तक जा रहा है। ये यहां पर रेजिस्टेंसेस का काम कर रहे हैं जिनको ये ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन अभी जिस प्रकार से बीटीसी बढ़ रहा है, बीटीसी में वॉल्यूम काफी ज्यादा है, डोमिनेंस बीटीसी का ज्यादा है, इस वजह से यहां पर अगर डोमिनेंस यहां पर कन्वर्ट होता है ऑल्ट और मीम कॉइन्स में तो इनमें भी रैली देखने को मिल सकती है। अभी यहां पर थोड़ा पॉजिटिव जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है मार्केट के, अगर हम देखें ऑलमोस्ट 6 बिलियन डॉलर तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहां पर 183 मिलियन डॉलर, लास्ट 24 में लगभग यहां पर 29% बढ़ा हुआ है। लेकिन एक चीज जो शिबा के इकोसिस्टम में अभी भी काफी सारे कम्युनिटी की डिमांड को देखते हुए आ रही है कि वो यहां पर इनकी बर्निंग है, जो जनवरी के मंथ में तो की गई थी एक बार, लेकिन अभी अगर हम देखें फरवरी की शुरुआत से या फिर लास्ट 30 दिनों में यहां पर बर्निंग जो यहां पर मैन्युअली भी हो रही थी वो अभी तक नहीं हुई। स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहां पर शिबेरियम के थ्रू जो बर्निंग हो रही थी उसकी, 30 डेज नो मैनुअल शिबा इनू बर्न। कम्युनिटी अभी डिमांड कर रही है शिबा की टीम से कि यहां पर 30 दिन हो चुके हैं और मैनुअली भी जिस प्रकार से आपने कहा था कि जनवरी में यहां ऑटोमेटेड वर्जन शुरू हो जाएगा शिबेरियम के थ्रू, ऑटोमेटिकली यहां पर बर्निंग होगी, लेकिन मैन्युअली भी अभी यहां पर शिबेरियम के थ्रू बर्निंग नहीं हुई है। मतलब अगर हम बात करें यहां पर लास्ट टाइम बर्निंग की, जो लास्ट टाइम बर्निंग हुई थी उसको अगर आप देखेंगे तो वो यहां पर हुई थी जनवरी 10 में, जब लगभग यहां पर 9.35 बिलियन शिबा इनू टोकन को डेड वॉलेट में ट्रांसफर किया गया था टीम के द्वारा, जो यहां पर कम्युनिटी का बर्न नहीं था, टीम के द्वारा बर्निंग हुई थी, शिबेरियम के थ्रू बर्निंग हुई थी, उसके बाद यहां पर बर्निंग नहीं हुई। यहां पर शिबा के जो टीम मेंबर्स हैं स्पेशली यहां पर कम्युनिटी डिमांड करते हुए नजर आ रही है, सीतोसी कुसामा से भी यहां पर सवाल किया गया है, वेयर इज द शिप यू विल बर्न, जहां पर आप शिप को बर्न करना चाहते थे वो कहां है? क्योंकि अभी भी अगर आपके पास ट्रांजैक्शन की बात करें तो एक अच्छा खासा अमाउंट अभी भी आपके पास है, अगर आप बर्न करेंगे तो यहां पर जो कम्युनिटी है वो आपको पसंद करेगी, अदरवाइज यहां पर कम्युनिटी हेट करते हुए नजर आएगी। कम्युनिटी यहां पर चाहती है शिबा की, अगर हम बात करें शिबा यहां पर काफी सारे लोगों का फेवरेट कॉइन था, लेकिन प्राइस पर इंपैक्ट देखने को मिलना चाहिए, काफी टाइम हो चुका है शिबा साइलेंट है। अगर हम अदर मीम कॉइन से भी कंपेयर करें तो अदर मीम कॉइन यहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शिबा में जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज्यादा अभी तक देखने को नहीं मिली हुई है। इस वजह से जो बुल रन आने वाला है जिसके इंडिकेशन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो स्पेशली अगर ये अब परफॉर्म नहीं करेगा तो यहां पर कम्युनिटी का जो यहां पर इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा शिबा इनू कॉइन में। और अगर यहां पर प्राइस की बात करें तो प्राइस यहां पर 14 जो इसका 1 ईयर का हाईएस्ट लेवल है उसको तो जरूर ब्रेक करना चाहिए। साथ ही यहां पर अगर हम बात करें इसके हाईएस्ट लेवल की किस लेवल तक जा सकता है, अगर यहां पर टीम सपोर्ट करे, कम्युनिटी जो सपोर्ट कर रही है बर्निंग करे और कुछ ऐसी चीजें लाए जिससे यहां पर प्राइस पर भी इंपैक्ट पड़े, तो हमें इसका लेवल जो है प्राइस का वो 302 के अराउंड भी जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है टीम के ऊपर कि टीम किस प्रकार से वर्क कर रही है, क्योंकि टीम वर्क करेगी, टीम एक्टिव होगी तो ही यहां पर उस प्रोजेक्ट पर इंपैक्ट पड़ेगा, उसके प्राइस पर इंपैक्ट पड़ेगा। लास्ट कुछ दिनों में यहां पर प्राइस जो है, साथ ही अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें वो तो स्ट्रांग है, लेकिन प्राइस पर इंपैक्ट अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। और कोई भी अपडेट के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।